दो साइड होते हैं, एक साइड को कहते हैं LHS मींस लेफ्ट हैंड साइड और दूसरे साइड को कहते हैं RHS मींस राइट हैंड साइड। दो साइड होते हैं तो हम लोगों को करना क्या होता है, जो लाइट टर्म है उसको एक तरफ करना होता है, जो अनलाइट टर्म है उसको एक तरफ, उसके बाद में इसको सॉल्व करते हैं। लेकिन यहाँ पे देखो एक ब्रैकेट दिया हुआ है, तो पहले हम लोग को क्या करना होगा, बोर्ड मास के रूल के अकॉर्डिंग ब्रैकेट को पहले सॉल्व करना होगा। तो क्या करेंगे, 5x प्लस 24 इक्वल्स, इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे 9 36x माइनस 27 प्लस 7। अब देखिए इसमें लाइट टर्म कौन कौन है, 5x और 36x, ये दोनों एक जैसे हैं, यहाँ भी वेरिएबल है यहाँ भी वेरिएबल है, तो दोनों को एक तरफ कर लेंगे और फिर दूसरे कौन हुए, ये 24 27 7, ये सब एक जैसे हैं, तो जो जो एक जैसे उसको एक तरफ कर लेंगे। ठीक है, जैसे ये जो वेरिएबल वाले हैं उसको एक तरफ कर लेंगे, कॉन्स्टेंट वाले उसको दूसरे साइड कर देंगे। ठीक है, तो हम लोग को एक रूल पता है, वेन तो हम लोग एक रूल पढ़े थे, क्या था, वेन साइड चेंज देन साइन चेंज, जब साइड चेंज होगा तो साइन भी चेंज होगा। तो देखो पहले 5x है तो इसको लिख दी, यहां पे क्या है 36x, इससे पहले कोई साइड नहीं है तो क्या होगा, प्लस होगा, तो साइड चेंज होगा तो साइन चेंज होगा, ये जब साइड चेंज करेगा तो यहां प्लस है तो यहां पे माइनस हो जाएगा इक्वल्स। अब पहले इधर वाले को लिख दो, तो माइनस 27 प्लस 7 माइनस 24। अब जब इस दोनों को सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, माइनस 31x इक्वल 51 प्लस 7, या इसको अगर हम चाहे तो डायरेक्ट क्या लिख सकते हैं, माइनस 44। आगे क्या करेंगे, माइनस से माइनस कट जाएगा तो x इक्वल्स 44/31, दिस इज द आंसर, x का वैल्यू निकल गया। ठीक है, आगे हम लोग क्या सीखेंगे कि इसके जब ये सॉल्व किए तो फिर चेक कैसे करनी कि ये सही है या नहीं, वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में सीखेंगे। ओके, थैंक यू।